नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बोरी अरब गांव से। माँ बाप और बच्ची की खुशी के आंसू गरीब घर की छोटी बच्ची ने। महाद्वीप की परीक्षा में किया टॉप, विधायक पहुंचे बाइक से घर में। विधायक मदन येरावार ने किया बच्ची का सम्मान। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यवतमाल के बोरी अरब गांव से। दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। बोरी अरब में है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आमदार साहब यहाँ है। ये बच्ची जिसने बोरी अरब का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का भी नाम रोशन किया है, हम जानने की कोशिश कर देंगे। क्या नाम है बेटा? मिसबाह अशफाक खान। आपने क्या क्या किया ऐसा जो आज आमदार साहब आपके घर आए हैं? महाद्वीप में टॉप किया है। महाद्वीप में टॉप किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरह से नीट की परीक्षा होती है ना, तीन परीक्षाएं होती है, एक लेवल स्लो लेवल की होती है, एक उससे हाई लेवल की होती है और एकदम हाई लेवल की होती है। तो ऐसी परीक्षा में इतनी सी बच्ची ने बोरी अरब का, और मैं बता दूं आपको कि यवतमाल विधानसभा क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। यहाँ आमदार साहब भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये काफ़ी गरीब परिवार की बच्ची है और इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। तो क्या कहना चाहती हैं आप? उम्र क्या है वाले? तो आप आपकी उम्र वाले 11 साल की है। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? सिक्स में हो। तो ये कैसा लग रहा है आपको कि आज आमदार साहब, इतने बड़े आमदार साहब आपके यहाँ आए? आपकी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं कि आज यवतमाल विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया इस बच्ची ने, और वो बच्ची की आप हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं? आज मैं हमारी मिसबा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। किसी बोरी अरब का नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में गौरव प्राप्त, उसने यवतमाल जिले का नाम रोशन किया और भविष्य में भी सभी ऊंचाइयाँ जो भी उसकी दिल की तमन्ना है वो पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। आज मैं वैसे तो बहुत बार ये एरिया में आता हूँ, लेकिन आज स्पेशली इसका अभिनंदन करने आया हूँ और इसको भविष्य में जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनके माध्यम से इनको जो भी सुविधा, इसका गरीबी या परिस्थिति उसके कोई सपने के बीच में, सपना पूरा नहीं करने के बीच में आएंगी नहीं, इसकी पूरी जवाबदारी मैं खुद लेता हूँ। दोस्तों जब हिम्मत बढ़ती है ना किसी की, तो उसे दवा की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि दुआओं की ज़रूरत होती है। जो यहाँ आमदार यहाँ आमदार साहब आके इन्होंने इस बच्ची को आशीर्वाद दिया। आपको ना इसकी, हाँ, क्या नाम है आपका? रुखसार जी, कैसे इसको आपकी परवरिश करें आपने, कैसे इसको? अच्छी करे। तो क्या कैसे करती थी ये कि आप इसको? कुछ नहीं, अभी पढ़ी हो, ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं है उसको। ट्यूशन भी नहीं, उसको ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही पढ़ती थी दिल से। इसके पापा क्या करते? उसके पापा रोजगार करते। क्या नाम होगा? अशफाक खान। क्या करते हो अशफाक भाई? गोंडी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, आज आपकी बच्ची ने पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। बहुत खुशी हो रही सर, इतनी खुशी हो रही है कि आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हो रही। तो क्या कैसे इसकी परवरिश, क्या आप इसको मोटिवेट करते थे? कुछ भी नहीं, मैं तो एक ही बच्ची है मेरे को, इसके बच्चा तो है ही नहीं, एक ही चीज़ है, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा पढ़ मत बेटा, फिर भी वो खुद में खुद ही पढ़ती है, रात पढ़ती है, पेपर भी होता था उसका महाद्वीप का, तो दो दो तीन तीन घंटे तो बोलती थी अब्बू मैं दिल्ली जाऊँगी, मैं महाद्वीप में पेपर टॉप करूँगी। उसने किया सर। क्या बनोगी बेटा आगे बढ़कर? यस सर। क्या बनना चाहती हो? कलेक्टर। तुम रो क्यों रही हो? नहीं, ये खुशी क्या है? चिंता मत कर। देखा दोस्तों, हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है, काय नाव है तेलचा सरांचा? हाँ, मधुकरराव काठोळे, वो बहुत अच्छा उपक्रम है उनका। या ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनमें सभी क्षेत्र में ऐसे प्रतिभावान है, प्रज्ञावान है, गुणवंत है, ऐसे सभी लोगों को नागपुर, बम्बई और दिल्ली, ऐसे खुद अलग अलग लोगों से कंट्रीब्यूट करके या खुद के तरफ से भी वो दिल्ली वारी कराते हैं। ये भी अभी तक दिल्ली जाके आई है, तो मैंने जब भी आपको बोला है कि इसके भविष्य में इसका जो भी सपना है वो पूरा होने में
इसकी परिस्थिति कभी आड़े नहीं आएंगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों की विरोधी का जो रूप स्वरूप जो दूसरी पार्टियां रहती है वो देती है, लेकिन आज यहाँ साक्षर आमदार साहब आकर वो उस बच्ची को हिम्मत दे रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि आगे चल के इसके भविष्य में हमेशा मदद करते रहेंगे। और इनकी आंखों में जो आंसू देख रहे हैं ना, ये खुशी के आंसू है बेटा।